बीजेपी के साथ में है, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा अखिलेश यादव के लिए भी कि कैसे वो पॉलिटिक्स मैनेज कर पाते हैं। देखिए निर्णय नहीं हो सकता, कल बहुत से ऐसे विधायक गण हैं जो नहीं पहुंच पाए, वो उनका कुछ अपना व्यक्तिगत मामला रहा होगा, क्योंकि देखिए चुनाव भी चल रहा है, शादियों का भी समय चल रहा है, तो हो सकता है कुछ विधायक, अच्छा जो विधायक, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी है और अपने सत्ता बल का जो है दुरुपयोग करके हमारे बहुत से विधायकों को प्रलोभन और दबाव और प्रभाव में लेकर के ऐसा कराना चाहती है। देखिए जो अच्छे सच्चे साथी की पहचान जो है नलिनी, वो विपक्ष में ही होती है। ये सही है कि हमारे जो है शाम तक जो भी परिणाम आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, अगर हमारी पार्टी की तरफ से कुछ लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तो हम समझते हैं बहुत से ऐसे जो है अन्य घटक दल के विधायक हैं जो हमारे संपर्क में है, शाम तक आपको सारी पिक्चरें क्लियर हो जाएंगी, कौन किसके पक्ष में वोट कर रहा है, कौन किसके पक्ष में नहीं वोट कर रहा है। इसमें बहुत से ऐसे सत्ता दल के जो है घटक दल के जो है अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके बहुत से ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अब देखते जाइए कि वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं। और देखिए रहा सवाल लोकसभा के चुनाव से पहले जो राज्यसभा चुनाव है, उसमें पिक्चर हमारे लिए बहुत सी क्लियर हो जाएगी, हम नए कैलिबर और नए स्ट्रेटजी के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। काफी दुरुस्त होगी, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, जो आपका गेम बिगाड़ सकते हैं। अनिला सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ी हुई, कितनी कॉन्फिडेंस बीजेपी नजर आ रही है, अनिला जी बताएं जरा। राम राम जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो भारत की जनता है। विशेषकर अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ, तो डबल इंजन की सरकार का सपोर्ट करते हुए, उसमें विश्वास दिखाते हुए हमने जो है 2022 की जो सीटें जीती, आज उसी के ऊपर निर्भर होते हुए हम राज्यसभा की ये जो 8 सीटें हैं इस पे दावा ठोक रहे हैं, हमारे उम्मीदवार उतर रहे हैं और जीत हासिल कर आएंगे। जो बारंबार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, अरे ये हमारा राजनीतिक दल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो अपने गृहमान में झांक कर देखिए ना, योर बॉस इज नॉट राइट, दैट इज वाई योर पोजिशन इज टाइट। भाई आपके बॉस अगर ठीक नहीं होंगे तो आप जो है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आप हॉट वाटर्स में होंगे ही होंगे, परेशानी में होंगे ही होंगे। आपके जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, या किसी रूप में भी हो, उनके अंदर एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी स्टैटिस्टिक्स और अपनी स्ट्रैटेजी है, जिसके आधार पर हम आगे जा रहे हैं और 8 उम्मीदवार जो तो है हमारे। अनिला जी, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है इस चुनाव में तो इसकी वजह बीजेपी ही होगी, वो ही जोड़ने तोड़ने का काम करती है, वही प्रलोभन देती है। अरे आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो भाई, विधायक आपके हैं, आप उनकी कनपटी पे बंदूक लगाकर कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के निशान से आपने चुनाव जीता है तो आप हम ही को वोट करो। तोड़फोड़ हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ के दिखा दीजिए। ये सब छोड़िए साहब, दिक्कत आपके राजनीतिक दल में है, दिक्कत आपके बॉस में है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में है, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे 8 के 8 उम्मीदवार राज्यसभा सांसद बनकर चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। दीपक रंजन जी, जवाब दीजिए। देखिए अभी तो हॉर्स ट्रेडिंग का इनके ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया, लेकिन साथ ही साथ ये कह रही है ना कि टाइट और क्या कह रही है, मैं कहना चाहता हूँ उनसे, शी थिंक्स दैट हिज बॉस इज राइट बट इन 2024 जनरल इलेक्शन पब्लिक विल मेक हिम टाइट। और ये डबल इंजन की बात कर रही है, डबल इंजन इनका जो है खीस्तान में इनका डबल इंजन काम कर रहा है, तब क्यों नहीं काम करता डबल इंजन जब उत्तर प्रदेश में नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता है, नौजवानों का पर्चा लीक होता है, तब इनका डबल इंजन क्यों नहीं काम करता है? आज डेवलपमेंट कहाँ है? डबल इंजन की बात करते किस तरीके से खींचतान करके, किस तरीके से प्रलोभन देकर। मैंने बताइए ना दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, अब इस पर कैसे आपका खेल बन पाएगा? ये तो गेम बिगाड़ने वाली बात हो गई। देखिए नलिनी, इनके बहुत तो खुल के कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मीडिया के सामने हम कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, आप कह रहे हैं कि डिनर में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उनको शादी में जाना था। ठीक है, कल तक हम लोग को यही लग रहा था कि उनको शादी में जाना हो या अपने चुनाव क्षेत्र में लोग लगे हो, लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, लेकिन ठीक है अगर आप जो खुल करके कह रहे हैं और अगर वो एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं तो जो भी जाना चाहेगा उसको हम रोक तो सकते नहीं जबरदस्ती।
मैं तो बार बार ही कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जब इनके पास संख्या बल नहीं था तो किस आधार पर इन्होंने अपना 8वां प्रत्याशी उतारा था? भाई हॉर्स ट्रेडिंग खींचतान की बात तो अभी हमने की नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी स्वयं कर रही है। अभी तो खींचता हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से ना मालूम किस दबाव में या किस प्रभाव में हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो एनडीए के पक्ष में वोट देने जा रहे हैं, इसको तो विस्तार से इसको तो जवाब आगे उनसे पूछिएगा तो वही बता पाएंगे जो क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। लेकिन देखिए जनता, सम्मानित जनता, हिंदुस्तान की जनता ये सारी चीजें देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से, सिद्धांतों से किस तरीके से भटक चुकी है। अगर उनके पास संख्या बल नहीं था तो किस आधार पर, उनका सिर्फ यही आधार था कि हम लोगों को दबाव में ले लेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने पक्ष में वोट डलवाने का काम करेंगे। तो देखिए सिर्फ दबाव की राजनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी और लोगों को दबाव में लेकर के अपने पक्ष में वोट डलवाने का काम कर रही है। और मैं बार बार नहीं यही कह रहा हूं कि ये सही है कि 2024 के आम चुनाव से पहले पहले हम आगाह हो जाएंगे, हम सचेत हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि कौन हमारे साथ। मैंने बार बार कहा ना कि विपक्ष में ही जो है सच्चे और अच्छे दोस्त की पहचान होती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से बहुत से ऐसे विधायक गण हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का टिकट लिया, समाजवादी पार्टी के सिंपल पे आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी दोस्त माना था। चलिए ठीक है, अनिला सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि ये माना जा रहा है कि संख्या बल आपके भी पास नहीं है, तो क्या एसपी में गुटबाजी का फायदा बीजेपी को होगा? नलिनी जी एक तरफ तो ये कह रहे थे कि एक्चुअली हमारे विधायक इसलिए नहीं आ पाए बैठक में, उनको शादियों की दावतें खाने जाना था। फिर बोले कि नहीं नहीं वो लोकसभा के चुनाव चुनावों की भी तो तैयारी कर रहे हैं, शायद इसलिए नहीं आ पाए होंगे। और फिर बोलते बोलते ये भूल गए इन्होंने पहले क्या कहा था। फिर बोले कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे विधायकों के ऊपर दबाव डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, पता नहीं किस वजह से ये लोग एनडीए को वोट करेंगे। मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं शादी की दावतें खानी थी इसलिए नहीं आ पाए बैठक में, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव और प्रभाव डाल रही है हमारे विधायकों को तभी वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। आप देख रहे कॉन्ट्रोडिक्शन देख रहे हैं, एक बात कुछ कहते हैं दूसरी बात कुछ कहते हैं। मैं एक ही बात जानती हूं कि ये लोकतंत्र है साहब, आप गले में फंदा डाल के किसी को आप हांक नहीं सकते हो। ठीक है, आपके विधायक हो, आपके सांसद हो, अगर आपके विधायक, मुझे नहीं मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर अगर आपके विधायक एनडीए के कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करते हैं तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको इस प्रकार का एक्सेस हमेशा से अपने विधायकों को देना चाहिए था कि वो आकर अपनी पूरी पूरी बात कहें, अपनी परेशानी कहें। अगर दबाव में है तो बताएं, प्रभाव में है तो बताएं, तो इसका मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे वार्ता करते हैं। है शायद कि अखिलेश यादव का डिनर का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, शादी में जाना जरूरी समझा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सपा विधायक राकेश